देशभक्ति की दी अलखज गाउण लई अते लोकां नूं जागरूक करन लई BSF दे जवानां दी टुकड़ी दा दीनानगर विखे पुज्जण ते अज निघा स्वागत होया है। बारामूला तो चली BSF दे जवानां दी एक टुकड़ी वख-वख थावां तो हुंदी होई वाघा बॉर्डर पहुंचेगी। ए रैली शहीद मनिंदर सिंह अंतरी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़के च पहुंची तां स्कूल दे प्रिंसीपल जसकरनजीत सिंह कालो ने पूरे स्टाफ समेत इन्हां दा जोरदार स्वागत किया। इस मौके ते कमांडेंट संदीप कुमार ने दस्या कि BSF दे जवानां वालों देशभगती बारे लोकां नूं जागरूक किया जा रहा है अते ए रैली वख-वख थावां तों हुंदी होई 15 अगस्त नूं वाघा बॉर्डर विखे पहुंचेगी। खाना रेजिमेंट के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इसकी शुरुआत 26 जुलाई को बारामूला कश्मीर से हुई थी। इसी क्रम में यह साइकिल रैली आज पठानकोट से धारीवाल जाएगी, उसके बाद यह रैली आगे फरीदकोट जाएगी और 15 अगस्त को यह रैली वाघा बॉर्डर पर जाएगी जहाँ पर इसका समापन होगा। उस दिन वहाँ DG BSF भी रहेंगे। मेन सर मकसद क्या है इसका? इस रैली का मकसद आम जनों से जुड़ना है तथा उनको सीमा सुरक्षा बल तोपखाना रेजिमेंट के बारे में जागरूक करना है तथा नवयुवकों को सेना BSF में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा चली जा रही 4 परियोजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना है। दीनानगर तो रमेश सरंगल की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।